एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में केरुआ वस्त्र को क्यों धारण किया है? बुद्ध ने इस बात पर उत्तर दिया कि मैं तीन प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास पद को धारण किया है। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि महात्मा, आप उस स्त्री के यहाँ ना जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या यह बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाएं। इस पर सरपंच ने कहा कि महात्मा, यह तो असंभव है कि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेली ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह भी स्त्री चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की यह ज्ञानवर्धक बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल